दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे टेक पे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वन प्लस सिक्स, जो कि वन प्लस ने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इस तरीके का नजर आता है, जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं। ऊपर में वन प्लस का लोगो है रेड कलर में, बीच में जो है सिक्स लिखा गया है व्हाइट कलर में, जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर वन प्लस सिक्स लिखा गया है। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर लिखा गया है द स्पीड यू नीड। ऊपर की तरफ बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ बात करें तो यहां पर कलर मेंशन किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, प्राइस वगैरह मेंशन किया गया है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। मैंने जो कलर लिया है वह मिरर ब्लैक, और मैंने जो वेरिएंट लिया है वह 6GB 64GB वाला वेरिएंट, और मुझे प्राइस पड़ा है 34,999 रुपीज का। इसका और एक वेरिएंट आता है जो कि 8GB 128GB वाला स्टोरेज है, और उसका प्राइस है 39,999 रुपीज। आप चाहें तो अमेजोन से इन दोनों को ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बाय ओप्पो लिखा गया है, तो ये ओप्पो का एक सब ब्रांड है। पीछे की तरफ बात करें तो टॉप कॉर्नर में आपको एक QR कोड देखने को मिल जाता है, उसके बाद बीच में आपको छोटे छोटे अक्षर में लिखा गया है ओनली फॉर सेल एंड वारंटी इन इंडिया। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलेगा, और वारंटी भी आपको इंडिया में ही क्लेम करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर वन प्लस मॉडल नंबर वगैरह लिखा गया है, मिरर ब्लैक 64GB लिखा गया है, सार वैल्यू दिया गया है। तो सार वैल्यू की बात करें तो हेड के लिए 1.20 WKG जो है हेड के लिए दिया गया है, और बॉडी के लिए जो है 0.68 WKG बॉडी के लिए दिया गया है। नीचे जो है डेट वगैरह मेंशन किया गया है, डिजाइन बाय वन प्लस लिखा गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन लिखा गया है, शॉट ऑन वन प्लस लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब जो है जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स का सील पहले से मैंने ब्रेक करके रखा था, तो यहाँ पर बॉक्स को सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही सबसे पहले जो आपको फोन देखने को मिलता है, बट फोन को रखते हैं साइड में, सबसे पहले बॉक्स कॉन्टेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स कॉन्टेंट में क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक केस, जिससे जो है आपका फ़ोन प्रोटेक्ट रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और वन प्लस का जो है यूज़र मैनुअल गाइड, जो कि आजकल कोई नहीं पढ़ता है, पता नहीं कंपनी क्यों दे देते हैं। और साथ साथ यहाँ पर सेफ्टी इंफॉर्मेशन वगैरह दिया गया है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है वन प्लस का स्टिकर नेवर सेटल, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप वन प्लस के फैन हैं तो ये स्टिकर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता होगा। कवर की क्वालिटी की बात करें तो सिलिकॉन केस दिया गया है, जिससे जो है ये कवर आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगा, गिरने उड़ने पर जो है टूटेगा नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पर मिलता है आपको डैश चार्जर, और डैश चार्जर को जो है बाहर निकाल लेते हैं, और डैश चार्जर के रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलता है 5V 4A का रेटिंग, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5V 4A का रेटिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज करता है। और यहाँ पर आपको एक लाइटिंग केबल मिल जाता है USB Type-C का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को जो है काफ़ी जल्दी चार्ज वगैरह कर सकते हैं। और जो है बॉक्स में कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फ़ोन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। इस वजह से आप इसे एक हाथ से जो है बड़े आराम से होल्ड कर पाएगा, साथ साथ नेविगेट भी कर पाएगा, कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जो है मिरर ब्लैक कलर को चूज़ किया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का जो है मिरर ब्लैक कलर दिखता है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट कैची है, बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कवर दिया जाता है, जिससे आप लगा कर रखिएगा तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है कैच नहीं करेगा। मिरर ब्लैक जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके और दो कलर वेरिएंट है, एक जो है मिडनाइट ब्लैक है, दूसरा जो है सिल्की वाइट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मिडनाइट ब्लैक जो है कुछ इस तरीके का देखने में लगता है। यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है, जैसे कि आपको वन प्लस 5T वगैरह में मिल जाता था, वैसे ही जो आपको बैक पैनल मिलता है, बट यहाँ पर जो है उतना खास नहीं लगता है। वहीं बात कर लेते हैं सिल्की वाइट की, तो सिल्की वाइट जो है काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीछे जो है वाइट दिया गया है, और साइड में जो है गोल्डन स्ट्रिप दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है। तो आप चाहें तो सिल्की वाइट को ले सकते हैं। मेरे समय में जो है स्टॉक आउट हो गया था सिल्की वाइट का, तो मुझे जो है मिरर ब्लैक लेना पड़ा, बट मिरर ब्लैक जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा औसम लगता है। अब जो है जल्दी से फ़ोन को बूट कर लेते हैं, और जब तक जो है फ़ोन बूट होता है, तब तक जो है आपको एक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं इस फोन का, साथ साथ इसके स्पेशन के बारे में बता देते हैं।
स्पेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 19:9 का 6.28 इंच फुल एचडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इस फोन के टोटल तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, 6GB, 64GB, 8GB, 128GB, 8GB, 256GB। 8GB, 256GB वाला जो वेरिएंट है वो जो है एवेंजर एडिशन है। इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसका प्राइस है 44,999 रुपीज़। 8GB, 128GB का जो प्राइस है वो है 39,999 रुपीज़। 6GB, 64GB का जो प्राइस है वो है 34,999 रुपीज़। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर जो एपर्चर है वो F2.0 का। रियर कैमरा की बात करें तो रियर में आपको 16MP प्लस 20MP का रियर कैमरा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। रियर में जो है आपको F1.7 का एपर्चर देखने को मिलता है और रियर कैमरा जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, साथ साथ EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस फोन में आपको 3300 mAh बैटरी दिया गया है जो कि डैश चार्जर के साथ आता है, यानी कि आप इस फोन को जो है करीब 50 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। डुअल सिम का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया, ना ही हाइब्रिड स्लॉट दिया गया जो कि काफ़ी निराशा वाला बात है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ दो सिम इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों ही सिम जो है 4G VoLTE को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो मिल जाता है, कलर ओएस का जो है कस्टम स्किन दिया गया 5.1.0 पर। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट में आपको एक नॉच देखने को मिलेगा जहां पर 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया, ईयर स्पीकर दिया गया, सेंसर दिया गया, LED नोटिफिकेशन लाइट दिया गया। फ्रंट बॉटम में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर आपको वॉल्यूम बटन दिया गया है, साथ साथ आपको एक सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप जो है दो सिम कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको अलर्ट स्लाइडर दिया गया है जिसके जरिए आप अपने फोन को साइलेंट वगैरह कर सकते हैं और पावर बटन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर दिया गया है, USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है, प्राइमरी माइक दिया गया है, 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, 16+20MP का डुअल LED फ्लैश दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, OnePlus का लोगो दिया गया और सबसे नीचे लिखा गया है डिजाइन बाय OnePlus। तो फ्रेंड्स फोन जो है बूट हो चुका है। बूट होने के बाद पहला जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये जो है बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड की तरह ही है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। हालांकि इसमें जो है OnePlus का खुद का कस्टम स्किन दिया गया है, बट यहाँ पर जो इंटरफेस है वो स्टॉक एंड्रॉइड ही रखा गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ना के बराबर है, कुछ जो है गूगल के एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर जो है कुछ भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ़ोन को बूट करते टाइम मैंने इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक फीचर को जो है एनेबल कर दिया था, तो यहाँ पर एक बार जो है टेस्ट कर लेते हैं। फ़ोन को लॉक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना फेस लाता हूँ और यहाँ पर जो है फ़ोन को रखता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं फेस को लाता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए ओपन, तो यहाँ पर मैं फेस को जैसे ही लाता हूँ ओपन, तो ये जो है काफ़ी फास्ट काम करता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बस आपका फेस जो है एक बार ट्रैक कर लेता है तो यहाँ पर काफ़ी जल्दी जो ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर जो है सेकेंड भी नहीं लगाता काफ़ी जल्दी जो है ये ओपन होता है। अब जो है फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को देखते हैं तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जस्ट मैं यहाँ पर टच करता हूँ और यहाँ पर ओपन, जस्ट यहाँ पर टच और यहाँ पर ओपन, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट ऐसे करके, यहाँ पर मैं टच और यहाँ पर ओपन, तो यहाँ पर मैं टच और यहाँ पर ओपन, तो फिंगरप्रिंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब चलते हैं इसके सेटिंग्स पे और देख लेते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन क्या दिया गया है। तो अबाउट फोन में आते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 5.1.0, 6GB का रैम और 64GB का स्टोरेज मैंने जो लिया था वही वाला वेरिएंट आपको दिखा रहा है। एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 ओरियो दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अप्रैल 1 2018 का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट देखने को मिलता है। मैंने अभी तक इस फ़ोन को जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है, कुछ जो अपडेट आए हुए हैं मुझे पता चला था, तो इसे जैसे ही मैं इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर कुछ अपडेट आ जाएंगे। अपडेट करने के बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल जो है मेरा लेटेस्ट हो जाएगा, तो वो मैं जो है आपको बाद में शो करवाऊँगा। तो यहाँ पर जो है इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अब जो है जल्दी से इसके कैमरा इंटरफेस को देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करते हैं यहाँ पर जो है कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस दिया गया है, यहाँ पर आप पोर्ट्रेट शॉट वगैरह भी ले सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका जो डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू है वो मैं बाद में लेकर आऊँगा, मैं अभी फिलहाल के लिए जो है कुछ शॉट आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा ऑसम है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ्रंट कैमरा दिया गया है।
कलर वगैरह जो है नेचुरल आ रहे हैं और यहाँ पर जो है स्नैपशॉट भी काफ़ी जल्दी लेता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो स्नैपशॉट में जो है कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं है और मैं जल्दी इसका जो है फुल कैमरा रिव्यू लेकर आने वाला हूँ। तब तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी फिलहाल के लिए आप जो है कुछ छोटे मोटे कैमरा सैंपल वगैरह देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को OnePlus 6 का अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फिर कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ Technicals के साथ।